जो ये चुनाव हुए निश्चित तौर पे हमारे लिए निराशाजनक है। कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हम इन कारणों में जा रहे हैं, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस हार को लेकर मंथन कर रहा है, और जहाँ भी कमियाँ रही होंगी उन कमियों को हम दूर करने का जो है प्रयास करेंगे। और मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुए ये मुद्दों पे चुनाव नहीं हुए, क्योंकि इन चुनाव में कहीं भी महंगाई का मुद्दा नज़र नहीं आया, कहीं भी बेरोज़गारी की जो बढ़ती हुई दर है उस पे चर्चा नहीं हुई, कहीं भी कानून व्यवस्था के बारे में जो है चर्चा नहीं हुई। विकास तो इन चुनावों में कहीं नज़र नहीं आया। ये चुनाव जो है लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करके भ्रमित करके लड़े गए। देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है, हर पार्टी को अधिकार है कि वो पार्टी जो है चुनाव लड़े, और आज़ाद भारत से लेके अभी तक 47 के बाद कितनी पार्टियां बनी हैं इस देश में और कितनी पार्टियां अपना अस्तित्व बचा पाई हैं। अगर आप देखें बहुत सारी पार्टियां आई, चुनाव लड़ी, जीती, एक बार जीती, दो बार जीती, उसके बाद अस्तित्वहीन होगी। कितने दल है आज जो कि आज भी जनता के बीच में जो है कायम है। मुझे इस बात का गर्व है कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा नहीं बदली, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सोच नहीं बदली। बहुत ज़्यादा समय कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में हुआ है। एक समय ऐसा था हम जो है बहुत ऊंचाइयों में थे, ऊंचाइयों के बाद हम नीचे भी आए, फिर हम दोबारा उठे, तो ये तो चलता है। निश्चित तौर पे नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ हम किसी दूसरे की तरफ क्यों देखें, हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। हमें लगता है कि कहीं कमी है, उस कमी को हमें दूर करना है, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है मजबूत है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।